हेलो फ्रेंड्स, आइए आज मैं आपको लौकी के क्रिस्पी पकौड़े बनाना सिखाती हूँ। ये बहुत खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। उसके लिए जो सामग्री चाहिए वो इस प्रकार: एक कटोरी चावल का आटा, 2 चम्मच बेसन, लौकी, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, हींग और नमक। तो ये हमने लौकी के टुकड़ों को गोल गोल काट लिया है। अगर इनके छिलके कड़े हैं तो आप हटा सकते हैं, नहीं तो लगे रहने दे सकते हैं। फिर हम बाउल में चावल का आटा डालेंगे, 2 टेबलस्पून बेसन डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ी सी हींग डालेंगे। इस सारे मिक्सचर को हम जो है स्पून से मिला लेंगे धीरे धीरे, थोड़े थोड़े पानी से डाल के। और जो है पानी धीरे धीरे डालेंगे क्योंकि चावल का आटा जो है जल्दी पानी पड़ जाएगा तो गीला हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे इसको डालते जाएंगे पानी और इसको ढंग से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब हमारा ये मिक्सचर रेडी है और अब हम जो है साइड में तेल भी गर्म हो गया है। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, मैंने सरसों का तेल लिया है। अब हम ये लौकी के पकौड़ों को इसमें डिप करके जो है डाल देंगे। तेल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा, मीडियम आंच पे आप रख सकते हैं। अभी हमारे पकौड़े दोनों तरफ से हमने सेक लिए हैं और हम इसको जो है निकाल लेंगे। तो हमारी ये लौकी के पकौड़े एकदम तैयार हैं। आप चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।